विदाई से पहले मानसून की बारिश अपना कोटा पूरा करने के मूड में है। यही वजह है कि आधे हिंदुस्तान में अगले दो दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि साफ है मानसून अभी विदा लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जब मानसून की विदाई का वक्त आया तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने लगा। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल जो बारिश हो रही है वो मानसूनी हवाओं की वजह से हो रही है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि अगले 48 घंटे में ये सिस्टम और एक्टिव होगा, जिसकी वजह से मानसूनी हवाओं को और मजबूती मिलेगी और बारिश का असर कई इलाकों में तक देखने को मिल सकता है। IMD की माने तो 19 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं उत्तरी कोंकण और उत्तरी महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक सौराष्ट्र और कच्छ में भी भारी बारिश हो सकती है। यानी कि 20 सितंबर तक यहां भी बादलों का आपातकाल रहेगा। वैज्ञानिकों ने दिल्ली के लिए भी अलर्ट जारी किया है। जानकारों की माने तो दिल्ली में आज और कल बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। आम तौर पर हर साल मानसून की विदाई 17 सितंबर से शुरू हो जाती है। पहले ये पश्चिमी राजस्थान से जाता है, इसके बाद 20 से 25 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से विदा होता है। मगर फिलहाल जो सिस्टम बना हुआ है उसके चलते 22 सितंबर तक बारिश का दौर चलेगा, इसके बाद ही मानसून जाने के आसार बनेंगे।